वेलकम टू कारण क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर टेंथ का पार्ट सेकेंड जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं मैं इस पर कवर कर रही हूँ आपके यूपीएससी सोशोलॉजी तो बेनिफिशियल रहेगा अगर आप यूपीएससी या स्ट पी के लिए प्रिपेर कर रहे हैं सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है ठीक है फिलहाल हम नितिन सांगवन सर की जो एसेंशियल सोशोलॉजी की बुक है वो कवर कर रहे हैं पूरी तो पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है जिसके सारे वीडियोज आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे उसकी सेपरेट प्ले लिस्ट वहाँ बनी हुई है एंड पेपर बी का करंटली हम चैप्टर टेन कर रहे हैं सिक्सटी परसेंट हमारा पेपर बी है वो भी कंप्लीट हो गया है आने वाले टाइम में जो इग्नो का आपका रेलिवेंट मटेरियल है रिलेटेड टू या यूपीएससी ठीक है एंड कुछ विजन uh, आई के चेक आंसर कॉपीज उनपे वीडियोज एडिशनल थिंकर्स एंड रिविजन सीरीज वो सब चीज़ें इस चैनल पे चलेंगी एंड अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको जेके एस के भी सेपरेट प्लेलिस्ट uh, मिल जाएगी मेरी चैनल तो जो जेके एस के एक्सपेरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियोस देखना जरूरी नहीं है हाँ अगर वो के एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो ये वीडियो उनके काम की है अदरवाइज दे डो नीड टू गो थ्रू दीज वीडियोज ठीक तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो हार्ट के अंदर वो डॉलर साइन बना होता है या अगर आप वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको कमेंट सेक्शन सेक्शन में मेरा यूपी आई पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप मेरा यूपीआई डी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं तो हमने स्टार्ट किया था हमारा टेंथ चैप्टर प्रीवियस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया ठीक है तो उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसमें हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा बहुत पॉवर्टी के रिलेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कॉपरेटिव क्या होते हैं कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें ठीक है उनके रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स वगैरह जहाँ से आपका कंटेंट जो है आ सकता है एंड डिफरेंट थिंकर्स ने इन प्रोग्राम्स को लेके क्या बात करी है ठीक है तो आज हम देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है इसमें आपको क्या याद रखना है अलग अलग स्कीम्स जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स जो है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लेके आई है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑलदो ये फैक्चुअल है ये वाला टॉपिक लेकिन अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाता है तो एटलीस्ट आपको हर जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए Rural में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम लाई है एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कौन सी स्कीम्स हैं ठीक है ठीके? और बाकी जैसे हेल्थ वगैरह रिलेटेड वो सारी स्कीम्स के क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स से तो जो पॉवर्टी एलिवेशन है इसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इन की बात हुई अगर हम डायरेक्टली आर्टिकल थर्टी नाइन देखें तो आपका आर्टिकल थर्टी नाइन क्या कहता है ये कहता है राइट टू लाइवलीहुड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन ठीक है तो अगर आपको लाइवलीहुड पूरा मिलेगा फाइन तो कहीं कही ना कहीं आपकी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में क्या होगा रिडक्शन होगा क्योंकि फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो थर्टी नाइन डी का पार्ट है तो थर्टी नाइन जो आर्टिकल है इसके अलग अलग सब पार्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पॉवर्टी इनइक्वालिटी को ही टैकल करते हैं ठीक है और ये आपके डी का पार्ट है तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे लिए पावर्टी को रिड्यूस करना एंड इनक्वालिटी कम करना काफी इम्पोर्टेंट खासकर आपकी इनकम इनईक्वालिटी कम करना वो काफी इम्पोर्टेंट रहा है राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट और हमने वो अभी तक कितना अचीव करा है वो भी हम देखते हैं पावर्टी जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम अराउंड फिफ्टी थी ठीक है एंड टू में थर्टी सेवन परसेंट तक पहुंची थी एज पर टेंडुलकर तेंडुलकर कमेटी रिपोर्ट तो टेंडुलकर कमेटी रिपोर्ट ने आपको क्या कहा था पावर्टी आपकी कहाँ पहुंची है थर्टी सेवन परसेंट तो टेंडुलकर कमेटी जो है इनके चेयरमैन थे सुरेश तेंडुलकर ये बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन के इन्होंने हमें मेथड्स दिए थे कि कैसे हमें पॉवर्टी एस्टिमेट करनी चाहिए इन्होंने कहा था पहले आपकी अलग अलग कमिटीज बनी कमिटी थी जैसे आपकी अलग कमेटी थी ठीक है लकड़वाला वाला कमेटी थी तो अलग कमेटी ने जैसे आपको कहा था कि हमें कैलोरी कंजम्पशन से पॉवर्टी एस्टिमेट करनी चाहिए कि कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो ठीक है लेकिन तेंडुलकर कमेटी ने क्या कहा था इन्होंने एक शिफ्ट दिया था आपको कैलोरी कंजम्पशन से इन्होंने कहा था कैलोरीज के बेसिस पे नहीं आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ आइटम्स देख सकते हो सीरियल पल्सेस आपके वेजिटेबल्स ठीक है नॉन वेजिटे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स एट्सट्रा तो इन सारी चीज़ों के आप क्या कर सकते हो कंजम्पशन आइटम्स जो है यहाँ से आप अपनी पॉवर्टी कैलकुलेट करो और भी काफी चीज़ें उन्होंने करी थी तो बेसिकली जो तेंडुलकर कमेटी है उन्होंने शिफ्ट किया था आपको कैलरी कंजम्पशन मॉडल से जो पुराने कमिटीज ने जिन बारे में बात करी थी ठीक है एंड दिस वॉज लेटर एक्सेप्टेड बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया जो थी इसने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ पहले से एम्प्लॉय की है एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी को एंड इनकवालिटी को उसके लिए उन्हें क्या क्या लाया था हमने पढ़ा कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट से एमजी नरेगा वगैरह आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू लैंड रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की ये भी हमने देखा मोस्ट रिसेंटली हमारा एक स्ट्रेस किस पे किया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे ये आपके प्रिलम्स में भी एक बार डीबीटी के रिलेटेड क्वेश्चन आया था इससे क्या होता है डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं तो जो इंटरमीडियरीज होते थे पहले कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है आपको बैंक जाना पड़ता या कोई एक ऑफिशियल अपॉइंट किए होते थे इस पर्पज के लिए आपको उसके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती फिर आपको पैसे मिलते तो उन सब चीज़ों से क्या होता था जो इंटरमीडियरीज है वो कहीं ना कहीं करप्ट होते थे एंड लोगों तक उनका बेनिफिट नहीं पहुंचता था तो डीबीटी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और खासकर जब आपका आधार वगैरह ठीक है आधार से आपने लिंक किया बैंक अकाउंट आपकी वेरिफिकेशन हो गई तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद हेवी इंडस्ट्री ग्रोथ का काम होने लगा ठीक है और ये जो हैवी इंडस्ट्री ग्रोथ है ये किस क्या दिमाग में रख आ, करके रखा गया था कि उनको लगा था अगर हम इनको इम्प्रूव करवाएंगे तो जो इनके बेनिफिट्स हैं ठीक है इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो जाएंगी बेनिफिट्स वो ट्रिकल डाउन करेंगे हमारे लोएस्ट सेक्शन तक तो मतलब गरीब लोगों तक जो गरीब तबका है रूरल पीपल है वहां तक हमारा जो उसका बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन करेगा जिसको हम ट्रिकल डाउन या टॉप टू डाउन अप्रोच बोलते हैं लेकिन ऐसे क्या हुआ इंडस्ट्रीज ने काम किया अच्छा काम किया उनको प्रॉफिट मिला लेकिन वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें उस जो पोअर सेक्शन है वहां तक देखने को नहीं मिला फिर गवर्नमेंट ने बाकी मैकेज़म्स लाए जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट लैंड रिफॉर्म पंचायती राज ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह एंड हमने हमें इनमें भी वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस देखने को मिली ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्राम कम्पलीटली सक्सेसफुल रहा है हम ग्रीन रेवोल्यूशन हमें आज पढ़ना है उसमें भी हम देखेंगे वो क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा कॉपरेटिव मूवमेंट्स में भी हमने देखा कॉपरेटिव पॉलिटिक्स उसमें आ गई उसमें भी जो रिचर लोग थे उन्होंने ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल क्लास थी उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ लैंड रिफॉर्म्स में भी हमने पढ़ा उसमें भी हम देखा क्या क्या प्रॉब्लम हुई ठीक है तो इसलिए वैरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस मिली कम्प्लीटली सक्सेसफुल कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिला अर्ली ईयर में जो विलेज था इट वॉज अ फोकस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉवर्टी एलिशन स्कीम्स एज जो मेजोरिटी ऑफ़ द पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते थे रूरल एरियाज़ में तो जो विलेज था उसको काम करना उसको उस पर मेन फोकस था कि वहाँ से हमें पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम जो है लेके आनी है एंड पॉवर्टी को एलिवेट करना है तो विलेज जो है वो हमारा फोकल पॉइंट रहा है स्टार्टिंग से ही तो देखो आपको क्या करना है अगर आपके पास बुक है ठीक है आप बुक पर हाईलाइट कर सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलती हूँ शॉर्ट नोट बना सकते हो अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है पी नहीं है आप ये पी डी देख के मेरे वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग लेके खुद अपने जो है इस बुक के शॉर्ट नोट्स जो है पॉइंट ऑफ फॉर्मेट में बना सकते हो बहुत वेज में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हमेशा काफी हेल्पफुल होते हैं ठीक है थीके? हमारे पास पॉवर्टी की एग्जिस्टिंग डेफिनेशन थी वो किस पे फोकस करते हैं बेसिक मिनिमम नीड्स पे कि न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी मिल रहा है कि नहीं कैलोरीज कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो ठीक है आप कितना स्पेंड कर रहे हो एक्सपेंडिचर कितना है एटसेट्रा ठीक है 2020 में 2020 में इंडिया जो था फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी था इन द नॉमिनल टर्म्स एंड थर्ड लार्जेस्ट इन परचेजिंग पॉवर्टी टर्म्स तो जनरल अगर देखा जाएगा फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी थी इंडिया 2020 में यह हमने तब के करंट अफेयर्स में भी देखा था और थर्ड लार्जेस्ट ही परचेजिंग पावर टर्म्स में पीपीपी टर्म्स जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी ये क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली यूज होता है दो कंट्रीज की जीडीपी को कंपेयर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राइस यहाँ मिलता है हंड्रेड रुपीज पर के जी आप देखोगे यूएस में आपको राइस कितने डॉलर्स पर के जी मिलता है वो कितना डिफरेंस है इन चीजों में ये आपको दो कंट्रीज की ये कैलकुलेट करने के बाद बताता है कि दो कंट्रीज के इसमें आपको कितना डिफरेंस मिलेगा उनके परचेजिंग पावर में ठीक तो है तो पीपीपी टर्म्स में हम थर्ड लार्जेस्ट है और नॉमिनल टर्म्स में हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो थे ट्वेंटी ट्वेंटी में लेकिन जब हम पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे वो ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट है इंडिविजुअल वेलबींग का पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है इसमें हम देखते हैं पर पर्सन कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी होता है कैमोनिट्री वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद ईयर तो जीडीपी हम जनरल टर्म्स में देखते हैं तो जहां पे हम पर कैपिटा की बात करते हैं वहां पे हम पर पर्सन देखते हैं तो वो कैसे करेंगे ऑब्वियसली हमारा जो जीडीपी है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी पॉपुलेशन से तो वो हमें देगा पर कैपिटा जीडीपी ये ज्यादा हमें इंडिविजुअल वेलबींग का जो है एक एक्चुअल एस्टिमेट जो है प्रोवाइड करेगा और ना कि कंप्लीट जीडीपी क्योंकि कंप्लीट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में काफी अमीर लोग भी आते हैं ठीक है अनएम्प्लॉयड लोग तो इसमें पता ही नहीं चलेगा तो जब हम पर कैपिटा देखेंगे हमें एक क्लियर पिक्चर थोड़ा सा मिलती है इंडिया के रैंक्स जो है उसने रैंकिंग भी काफी कुछ टाइम तक ठीक नहीं रही है इंडिया लोली वन फोर्टी टू अकॉर्डिंग टू आई एम एफ कैलकुलेशन देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कहा था जो हमारे टोटल पॉपुलेशन में जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन हम सिर्फ देखें देखो एक अगर पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयड मैन अनएम्प्लॉयड में ठीक है उसमें हम सिर्फ एम्प्लॉयड कंसिडर करें तो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन में वो लोग जिनकी पावर पैरिटी जीरो डॉलर से कम है दैट वो डॉलर ही दिन का खर्च कर सकते हैं अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए वो हमारे पास कितनी है टेन पॉइंट सेवन परसेंट मतलब एम्प्लॉयड पॉपुलेशन में दस पॉइंट सात परसेंट ऐसे एम्प्लॉयड हैं कि वो एक रुपए से एक पॉइंट नाइन डॉलर से ज्यादा खुद पे खर्च नहीं कर सकते हैं बेसिक चीजें पूरी करने के लिए और अगर हम पूरी पॉपुलेशन कंसिडर हम तो सिर्फ एम्प्लॉयड देख रहे हैं अगर हम पूरी पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे तो ऐसे लोग हमें कई ज्यादा मिलेंगे टेन पॉइंट सेवन से ज्यादा हमारा जो ये परसेंटेज है बढ़ जाएगा कौन से लोग ज्यादा मिलेंगे जो वन पॉइंट नाइन जीरो डॉलर भी खर्च नहीं कर पाते हैं अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट दिन की पूरी करने के लिए तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था ठीक है 2021 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन क्या थी 101 हंड्रेड वन हंड्रेडीन कंट्रीज और इवन ये पीछे किसके था बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल के भी 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने भी क्या कहा था इंडिया है 131 थर्टी वन अमंग वन कंट्रीज ठीक है तो क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है अभी तक तो ग्राफ की इंडिया की हालत जो है इन वाले ईयर्स में भी कुछ ज्यादा अपीलिंग या अप्रिशिएटिंग नहीं थी फिर हुआ हमारे पास लेकिन इतने सब ग्लूमी फिगर्स के बाद भी इंसिडेंसेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको हम एम भी बोलते हैं शॉर्ट में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा दे हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली ठीक है एम डी पी आई में क्या करते हैं पॉवर्टी में हम सिर्फ कैलरी कंजम्पशन या आइटम वगैरह वो चीजें नहीं देखते इसमें आप एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीनों चीजें इसमें देखते हो ठीक है एम बी एम तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में ये जॉइंटली कौन देता है आपका यू एनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ डीबीज को शॉर्ट में हम बोलते हैं ठीक है तो ये नया इंडेक्स है जो आपको मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के बारे में बताता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं ठीक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने काफी स्ट्रेटेजीज अप्रोचेज uh, जो है वो अडॉप्ट किए हैं फाइट करने के लिए पॉवर्टी को ओवर द इयर्स इसमें आता है आपका ट्रिपल डाउन अप्रोच इनिशियल इयर्स में उसने काम नहीं किया था उसके बाद कुछ फोकस स्कीम्स आई एंड कुछ इंटीग्रेटेड ऑल राउंड अप्रोच वाला जो है स्कीम्स भी करंटली चल रही हैं ठीक है अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजी क्योंकि आई तो आप स्किल्ड भी नहीं हो और आपको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है तो ये काफ़ी इनका हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहा है स्टार्टिंग से अभी भी जो है प्रॉब्लमैटिक ही है इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया क्योंकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट लेवल जो है वो अभी तक उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हालत इंडिया की पहले कुछ फिगर्स जो बुरे थे एम पी डी आई में क्या हो गया ये देखने को मिला कि नहीं एम पी डी आई में हम इंप्रूव कर रहे हैं तो हमारा पर कैपिटा जी डी पी कितना था और हमारा जो ये था जी डी पी हमारी पॉवर्टी इंडिपेंडेंस के बाद से 2007 तक आई थिंक हमने डेटा देखा था कितना ज्यादा जो है 2005 से कितना ज्यादा कम हो गया ठीक है 55 परसेंट था इंडिपेंडेंस पे फिर 37 परसेंट पे आए तो ये हमने अभी तक देखा अब हम हमको स्कीम्स के नाम देखेंगे जो गवर्नमेंट लेके आई है आपको क्या करना है आपको डिटेल में स्कीम्स नहीं देखनी है लेकिन एटलीस्ट आपको इन स्कीम्स में से जितने नाम याद रहेंगे आप वो नाम याद रखोगे ये आपके एग्जाम का काफी अच्छा कंटेंट बनाएगा किन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये आपका कंक्लूजन भी बन सकता है एंड आपका अच्छा इंट्रोडक्शन या बॉडी आपके एग्जाम क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग बन सकती है ठीक है तो रूरल मैन पावर प्रोग्राम जो है इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन सिक्सटी वन वॉज फर्स्ट सच प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी हुई है बुक पे इट इज़ नॉट रूरल मैन पॉ मैन पावर प्रोग्राम जो रूरल मैन पावर प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू इग्नो नोट से नाइनटीन में लॉन्च हुआ था एंड अगर कोई भी आपको वेरिएशन देखने को मिले आपके गवर्नमेंट मटीरियल से इग्नो आपको गवर्नमेंट मटीरियल है एनसीआर गवर्नमेंट है अगर आपको कोई भी पब्लिकेशन की बुक होगी वो किसी ने भी लिखी हो अगर आपको कोई वेरिएशन मिले तो ऑलवेज गो विद इग्नो मटेरियल एंड योर एन जो भी आपको गवर्नमेंट मटेरियल है गवर्नमेंट रिकग्नाइज गवर्नमेंट अथॉरिटीज वाला मटेरियल उसके साथ आपको हमेशा जाना है तो रूरल मैन पावर प्रोग्राम 1964 में लेके आए थे जो यहाँ पे 1961 लिखा है वो रूरल वर्क्स प्रोग्राम था दरअसल पहला प्रोग्राम रूरल वर्क्स प्रोग्राम था ये रूरल एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इश्यूज यहाँ पे टैकल करता है तो रूरल मैन पावर प्रोग्राम लाया था नाइनटीन में इसमें कुछ लिमिटेशन थी बेसिकली प्रोग्राम कहता क्या था एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात थी एग्रीकल्चर वर्कर्स को ऑफ सीजन में देना चाहिए ठीक है कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उनको क्या प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे एक एक लाइन एटलीस्ट आपको अगर इन प्रोग्राम्स की पता हो थोड़ा थोड़ा बहुत आप लिख सको बस उतना ही आपको चाहिए क्योंकि जीएस का पेपर नहीं है तो आपको स्कीम्स को तो इसमें इलाबरेट नहीं करना है पर एटलीस्ट आपको अपना आंसर मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए स्कीम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी स्कोप ऑफ कवरेज इसका सही नहीं था फंडिंग इशूज जो थे वो इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम नाइनटीन में लेके आए थे ये बेसिकली टैकल करता था उन फ्रेजाइल एरियाज़ को जिन जो हर साल जो है ड्रॉट वगैरह उससे गुजर रहे थे वो वाले एरिया सीवियर ड्राउट कंडीशन में आ जाते थे वो एरियाज़ को टैकल करता था एड्रेस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन एरियाज़ में नाइनटीन सेवेंटीज़ ऑल्सो सो सम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स जिनके डुअल ऑब्जेक्टिव थे कि उनको फूड सिक्योरिटी पे भी काम करना है और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करना है 1980s में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हमने देखी है ये काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड आपके जी में आप एक कवर करोगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआर पी लॉन्च हुई थी प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल पोअर को ठीक है फिर नाइन्टीन में क्या किया गया जो एक स्कीम लाइक जवाहर रोजगार योजना वो लॉन्च और इस स्कीम में क्या हुआ था अभी तक की रूरल एम्प्लॉयमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी उनके ऑब्जेक्टिव्स इसमें सारे मर्ज किए गए थे ठीक है तो आपका जो ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये बेसिकली किसके लिए लाया था एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग हैं रूरल एरियाज़ में उनकी ओवरऑल क्वालिटी की लाइफ क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है एंड हमारी फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए रूरल इकोनॉमी के रूरल इकोनॉमी जो है वो फास्टली ग्रो करनी चाहिए इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ एनआर एल पी एन आर ई पी जो है वो लेके आए थे फिर बाद में जवाहर रोजगार योजना आई थी जिन्होंने क्या किया था इस सारी स्कीम्स को मर्ज किया था फिर दिस आपका जे आर वाई एंड अदर स्कीम जो है उनको वो मर्ज किए थे फाइनली एक नई स्कीम में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इन टू थाउजेंड वन फिर टू थाउजेंड फाइव में एक पैन इंडिया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एम जी नरेगा एक्ट लेके आए थे ठीक है तो इसमें एम जी नरेगा स्कीम जो है वो इसके अंडर लॉन्च की गई थी इस एक्ट के अंडर तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आई एम श्योर ये आपने पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी होगी या आप जी एस में एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ लोगे डिटेल में तो वहाँ पे डिटेल में देख लेना यहाँ पे बस इसका इतना नाम याद रखो एंड रखो ये एटलीस्ट हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट देती है अनस्किल्ड वर्क को भी कब जब उनका एग्रीकल्चर सीजन नहीं होता है ठीक है तो उस टाइम पे उनको गारंटी करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो इसके पैरल ऑब्जेक्टिव भी थे ताकि ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो रूरल एरियाज में जैसे किसी को कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया तो जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे कोई एसेट भी क्रिएट हो रहा है ना या कहीं ड्रेनेज का, का काम चल रहा है रूरल एरियाज विलेज में तो ड्रेनेज का काम भी हो रहा है मतलब कुछ कम्युनिटी के लिए विलेज कम्युनिटी के लिए कोई एसेट भी क्रिएट हो रहा है और साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था तो ये सारी स्कीम्स आप याद रख लोगे मेरा वीडियो देखते देखते ही अगर आपको अभी अपना काम आसान करना है ये सारी जो स्कीम्स हैं वो पेपर पे लिख लो और उनके शॉर्ट पॉइंटर्स जो हैं वो अपने साइड में बना लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिया ठीक है इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना एंड कैपेसिटी बिल्डिंग दैट मीन उनके स्किल्स पे काम करना तो इसके लिए रूरल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ऐसा सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव था जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिले एंड उनके स्किल्स पे भी काम हो 1980 में लॉन्च हुआ था फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था इन टर्म्स ऑफ लोन एंड सब्सिडीज और स्मॉल फार्म एग्रीकल्चर लेबर्स मेंबर्स ऑफ एस सी फैमिलीज और डिफरेंटली एबल लोगों को प्रमोट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है इस प्रोग्राम के साथ रीस्ट्रक्चर हुआ था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन 1999 इस स्कीम में जो रूरल पोअर है उनको सपोर्ट किया गया था थ्रू मेकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच टर्न प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एज वेल एज क्रेडिट सपोर्ट ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए थे आपके स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है ये बेसिकली स्मॉल वॉलेंट्री ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो लोग बनाते हैं पाँच से लेकर पंद्रह तक वो लोग जो सिमिलर लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हों ठीक है इसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी चलते हैं जो सिमिलर इश्यूज अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो वो ये एस बनाते हैं ठीक है ये क्या करते हैं इनमें बाद में जो मेंबर्स है वो अपने रिसोर्सेस वगैरह पूल करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है या कोई बिजनेस ऑन्ट्रप्रल एक्टिविटीज जो है वो करते हैं फाइन तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो आपने यहाँ पे इन्होंने क्या किया था यहाँ पे थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की थी एंड क्रेडिट सपोर्ट जो है वो भी दिया था लोगों को ठीक है जो बेनिफिशरीज थे इस स्कीम के इसको बाद में रीनेम किया था इसी स्कीम को एज एन आर एल एम जो आपने सुना होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और अजीविका इन टू तो बेसिकली जो आप स्कीम्स के नाम सुनते हो ना ये भी किसी पुरानी स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके उसका नाम हम चेंज करके आपके सामने लाया होता है अ न्यू कॉम्पोनेट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या करने के लिए कोलेट्रल फ्री लोन टू स्मॉल ऑन्टरप्रेन ठीक है जहाँ पे उनको कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी होती थी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना वॉज ऑल्सो लॉन्च इन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो यहाँ से इस पैराग्राफ से क्या है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये सारी स्कीम्स के नाम इतना सारा अगर नहीं भी रखोगे एटलीस्ट दो दो चार चार स्कीम जो है हर पैराग्राफ में से आप याद रख लेना अभी तक हमने सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स देखी इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या एल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स ठीक है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन 1999 फूड टू द सीनियर सिटीजन वगैरह जो कहीं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड नहीं थे आपके हाउसिंग वगैरह के लिए भी स्कीम्स आई थी मिड डे मील स्कीम थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्रामोद्या योजना कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट के लिए ठीक एंड टू कवर वेरियस अदर सोशल लाइक हेल्थ के लिए एजुकेशन सैनिटेशन हाउसिंग के लिए भी अलग अलग स्कीम्स आई थी तो ये सारी हमने अभी तक देखी जो एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स थी उसके बाद कौन सी ये ये सारी स्कीम्स है जो अलग अलग एरियाज को फोकस कर रही थी वो सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी थी जहाँ पे ओल्ड को विडोज को डिफरेंटली एबल्ड को भी फोकस किया गया था फाइन तो कहने का क्या मतलब है इनका कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो कंट्री है वो बहुत कोई काम कर रही थी लोगों के लिए लेकिन फिर बेनिफिट कितना लोगों को हो रहा था वो हमारा सेपरेट इशू है लेकिन बीइंग अ ब्यूरोक्रेट मतलब फ्यूचर ब्यूरोक्रेट एक आपको क्या करना है आपका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक का होना चाहिए तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इनके लिए क्या क्या अच्छा काम हुआ है फिर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली वो क्या है कितना होता है वो आप इक्का दुका लाइन्स में लिख के बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट है लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाना है कि मतलब गवर्नमेंट से कोई काम नहीं हो रहा है फाइन आपको हमेशा पॉजिटिव आउटलुक में अपना आंसर देना है मिड डे मील स्कीम न्यूट्रिशस फूड देने के लिए बच्चों को ठीक है आनंद जननी सुरक्षा योजना इसको लॉन्च किया गया था 2005 में फॉर मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसमें न्यूट्रिशन हेल्थ लर्निंग नीड्स ऑफ प्री स्कूल किड्स एंड एडोल्ट एंड गर्ल्स को कवर किया गया था टू में एक और बड़ा स्टेप लिया गया जो आपका राइट टू एजुकेशन है उसको क्या किया गया उसको लाया गया फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए और ये आया 86 से। उसके साथ ही आपके आर्टिकल ट्वेंटी right है उसमें और एक कंपोनेंट ऐड किया गया आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो कहता है फ्री टू फ्री एंड प्राइमरी प्रोवाइड फ्री एंड कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बिलो सिक्स ईयर्स ठीक है और दूसरी चीज भी कहता है जो सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के जो बच्चे हैं दे शुड बी इन स्कूल फिर और भी काम हुए जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राइट टू फूड एक्ट जिसने गारंटी दी टू प्रोवाइड फूड फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट टू द पुअर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस ठीक है हाउसिंग के लिए राजीव आवास योजना बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना वो लॉन्च 2018 में नेशन वाइड वन ऑफ इट्स काइंड एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जिसको हम जानते हैं आयुष्मान भारत के नाम से इसको लॉन्च ला, किया गया फेस ऑफ मेनी गवर्नमेंट सर्विस एंड स्कीम्स चेंज सिग्निफिकेंटली विद इंट्रोडक्शन ऑफ आधार जैसे मैंने कहा आधार से वेरीफिकेशन काफ़ी ईजी हो गई डी बी टी वगैरह उसका प्रोसेस भी काफी ईजी हो गया गोस्ट बेनिफिशरी जो बीच में आपका सारा प्रॉफिट ले जाते थे आपका जो हक है वो खाते थे वो भी खत्म हो गए इसमें एंड हमारी जो एफिशेंसी है पब्लिक सर्विसेज की वो इम्प्रूव हो गई ठीक है तो ये था आगे देखते हैं हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज इस टॉपिक में हमने क्या देखा एक बार क्विकली हमें रिकॉल करते हैं तो पहले हमने क्या देखा कि आपका तेंदुलकर कमेटी ने कहा था फिफ्टी फाइव परसेंट से कितना कम हो गया थर्टी सेवन परसेंट ठीक है फिर आ, इंडिया ने मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाई थी एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी इनिक वाल्टी को जो हमने पिछले वाले इसमें देखा था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह डीबीटी लेके आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स पंचायती राज सिस्टम्स उसके बाद थोड़ा बहुत डेटा हमने देखा परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी रिलेटेड हमारे हंगर इंडेक्स में हम कहाँ थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ थे तो कुछ अच्छे फिगर्स नहीं थे लेकिन एम में दैट इज में मल्टी ट्राइमस पॉवर्टी में हम थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहे थे ठीक है फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोचेस लेके आए पहले ट्रिकल डाउन वाला काम नहीं किया तो उन्होंने स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्कीम्स भी लेके आई हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फिर एक जनरल फोकस स्कीम्स भी थी अलग अलग एरियाज को जिसने ओल्ड विडो वगैरह उनको कवर किया था बच्चों को एंड गर्ल्स को ठीक है तो वो सारी स्कीम्स हमने यहाँ पे देखी आपके एनआरई पी पहले हमने यहाँ पे देखा रूरल आपका आर डब्ल्यू पी जो था वो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन सिक्सटी फोर में नहीं था सॉरी नाइनटीन सिक्सटी वन में नहीं था नाइनटीन सिक्सटी फोर में था बुक पे करेक्ट कर लेना रूरल मैन पावर प्रोग्राम ठीक है उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट के देखे आपके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआरई पी फिर आपका था जवाहर रोजगार योजना जिसमें मर्ज हुए थे पुराने सारे स्कीम्स बाद में इसको मर्ज किया गया था नई स्कीम में संपूर्ण ग्रामीण योजना फिर आपका आ गया था एम जी नरेगा जिसको एम जी नरेगा एक्ट के अंडर लॉन्च किया गया था फाइन फिर आपका आ गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें काफी सारे आपकी चीजें थी और काफी सारे बेनिफिशरीज भी उसमें आते थे फाइन फिर आपका था स्वरोजगार योजना स्व स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना फाइन इसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड हमने बात की जिसने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया फिर इसको रीनेम किया गया था एज एन आर एल एम और आजीविका उसको अगेन रीनेम किया दीनदयालोदया अंत्योदया योजना एन आर एल एम इन टू थाउजेंड फोर्टीन फिर हमने यहाँ पे देखा कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो थी उनके अपार्ट भी हमने कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आए थे जैसे आपका नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम फाइन आपके सीनियर सिटीजन के लिए भी लेके आए थे कलेक्टिव अपलवमेंट के लिए जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना फिर मिड डे मील स्कीम भी थी फिर राइट टू तो एजुकेशन की बात भी की थी और लास्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत और आधार ने काफ़ी जो है वो सारा काम इजी कर दिया एफिशिएंट बनाया पब्लिक सर्विसेज का ये काम ठीक है और जो गोस बेनिफिशरीज है उनको बीच में से वीड आउट कर दिया तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी ये आप जो है अपने नोट्स पे शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लोगे स्कीम्स के नाम ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ये आपको एस में भी हेल्प करेगा आपको जीएस में भी हेल्प करेगा कभी क्या होता है प्रलम्स में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जो आपने सोशलॉजी में पढ़ा हो एंड सोशोलॉजी में तो हेल्प करेगा ही करेगा फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज आई थिंक हम आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं फिर लेक्चर ज्यादा लंबे हो जाते हैं और फिर पूरा लेक्चर लंबा आप देखते नहीं हो इतना तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अब ग्रीन रेवोल्यूशन सोशल चेंज चला टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे